हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज की बिग डेट आपके लिए ये है, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू जो शिक्षक भर्ती जो जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कॉमन डिक्लेरेशन फॉरम है, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो वो आप चीज़ जान लें, जैसे कि अपनी ईमेल आईडी वगैरह वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, वर्किंग में होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो, और वो जितने भी डॉक्यूमेंट, 4-5 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, वो केवल 100 KV के तक के ही होंगे और उससे नीचे वाले होंगे। ठीक है, और इसमें जो आपकी जो जो फोटो खींचेगी वो आपकी वेब कैम के थ्रू खींचेगी, या फिर आपके मोबाइल के थ्रू जो फ्रंट कैमरा है उसके थ्रू, या फिर आपके लैपटॉप वगैरह में जो भी कैप्चर कैमरा लगा होगा। इसमें जो भी आपका बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट कलर का होना चाहिए, मोस्ट प्रोबली आप वाइट कलर का ही में कर रखें, है ना, और या फिर लाइट कलर में रखें। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन आपके अपलोड होंगे वो कुछ स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन में करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपका आधार कार्ड यूज़ होगा, ये बात आप दिमाग में खोल के रख लें, और इसलिए आधार कार्ड को 100 KV में करके रख लें। देखो, जरूरी नहीं है कि जैसे कि जो फुल लंबा वाला जो पूरा आधार कार्ड होता है आप उसको पूरा बनाएं, जो अपना जो छोटा वाला होता था, जो पॉकेट वाला लेके चलते हैं ना, उसकी आप बना लें, तो उसका इजिली 100 KV में अच्छा क्लियर कट बन जाएगी PDF फाइल। ठीक है, अब बात करते हैं, है ना, PDF फाइल के लिए आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, आप इजिली उनका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे साइन वगैरह की, साइन आपके केवल 15 KV में, और जो भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों में आप 15 15 KV में आप बना सकते हैं, इजिली बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जैसे कि MS पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास लैपी वगैरह, ठीक है, उसमें इजिली बन जाता है अच्छे अच्छे पिक्सल के साथ। अब बात कर मैं चीज़ बताता हूँ डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट का आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लगेगा आधार कार्ड नंबर 2, है ना, फिर आपका लगेगा जैसे कि आप जब एलिजिबिलिटी वगैरह भरेंगे तो फिर उसमें ये चीज़ लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये पेज खोल रखा है कि जैसे कि इसमें जैसे कि आपने जैसे कि यहाँ पे आपने पात्रता भर दी है, यहाँ पे स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से आप जाना, जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से DLED को जाना जाता है। तो जैसे कि इसमें जैसे कि अगर आप 10+2 के साथ अगर DLED लेना चाहें 40-50% के साथ, या फिर 45% के साथ, या फिर स्पेशल BTC वगैरह, BEd लेना चाहें, है ना, BEd के साथ विद ग्रेजुएशन, तो ठीक है वो आप ले सकते हैं। तो लेकिन जो आप लेंगे उसी के सर्टिफिकेट अपलोड होंगे। जैसे कि आपने 10+2 लेते हैं तो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड होती है, ठीक है, उसकी यहाँ पे डिटेल भरी जाती है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन और विद DLED लिया है, तो यहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, है ना, फाइनल ईयर की, या फिर उसका जो जो डिग्री मिलती है उसकी फोटो, है ना, वो अपलोड करना है सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा, है ना, जो दूसरा यहाँ पे जैसे कि DLED का अपलोड करना। अब जैसे कई बात कई जगह कई कोई वीडियो में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड होगा। एक बात बताओ, इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो प्रेजेंटली क्या गया है कि 31/8/2023 तक जिनका एग्जाम हो जाए वो भी इसमें एलिजिबल है। तो भाई ये सोचो, वैसे भी सर्टिफिकेट आने में बहुत टाइम लग जाता है ना, जिनका प्रीवियस ईयर के 2019 बैच वाले भी, 21 में जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, 22 वाले भी वो भी पड़े हुए हैं, उनका भी नहीं आया है, तो अभी जिनका अभी हुआ होगा तो उनका कहाँ से आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पेपर वगैरह हो जाएं, तो इसमें क्या होता है जैसे कि जिनका ये सिचुएशन है ना, जिनने इसके लास्ट ईयर है और पेपर दे रहे हैं, 31 से पहले उनके पेपर रहेंगे, तो उनका केवल एडमिट कार्ड अपलोड होगा इसमें 4 सेमेस्टर का। जिनका हो चुका है उनके फाइनल ईयर की जो भी मार्कशीट होगी, जो इंटरनेट द्वारा अवेलेबल हो या फिर वैसे ही अवेलेबल, जो भी अवेलेबल हो वो आप अपलोड कर दें इसमें, दैट इज टू बी एलिजिबल। क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ तो इसलिए मैं खुद जानता हूँ कि मैंने खुद कर रहा हूँ अपने में, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा अनसर्टन नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा भी नहीं आया सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैं अपना जो फाइनल सेमेस्टर का जो मार्कशीट है ना वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, दैट्स इट। उनको मतलब ये है कि बच्चे की कंप्लीट हो जानी चाहिए ये क्वालिफिकेशन, बाकी जो भी वेरिफिकेशन वगैरह है ना, तो वो तो जब DV वगैरह करेंगे तब करेंगे, अभी तो केवल एक सिंपल है यार, फॉर्म भरा जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट अपलोड होगा, है ना, जो PDF फाइल, ये दोनों आपको 100 KV में बना देना है और बन जाएगा एक एक पेज। बाकी आप 4 4 सेमेस्टर का करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, है ना, तो जो सनद और वो दोनों एक साथ ही आती है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं, तो आप एक सर्टिफिकेट उसका 100 KV का बना लें, तो वो नेक्स्ट पेज में जाके आपका अपलोड हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके 4 सर्टिफिकेट अपलोड होंगे, है ना। और अगर आपने जैसे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आप सबमिट होगा, तो वो उस तरह से 5 हो जाते हैं। तो बस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद। और इस चैनल पे आपको कोई बकवास नहीं मिलेगी, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेगा।